गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 क्लास 10 का, ठीक है। उसमें पहला सवाल है व्हाट प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, फर्स्ट और 10 दो सवाल बताएंगे और दो में आप एक्सरसाइज को खत्म कर कीजिएगा। तो पहले 3 का पहला सवाल है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड डिफरेंस इज 30, फाइंड द नंबर। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम यानी कि योग, दो नंबर का जोड़, जोड़ने पे दो नंबर को जोड़ने पे 35 आता है और सब्सट्रैक्ट करने यानी कि अंतर करने पे कितना आता है, 13 आता है। तो दोनों नंबर क्या होगा ये मुझे निकालना है। तो ये टू वेरिएबल का सॉल्व करना है। तो टू नंबर में हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, ले वन ऑफ द नंबर, दो नंबर में से एक नंबर या फर्स्ट नंबर भी मान सकते हैं, ले द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इक्वल टू वाई, ऐसे भी लिख सकते। तो हमने लिखा ले वन ऑफ द नंबर इक्वल टू एक्स एंड द अदर नंबर इक्वल टू वाई, दो नंबर एक एक्स और एक वाई। पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या बोलता है, दोनों नंबर का सम, दो नंबर का जोड़, दोनों नंबर को जोड़ने पे क्या आता है, 35 आता है। कितना आता है, 35 आता है। तो x प्लस वाई दो नंबर का सम 35। फिर आया दूसरा कंडीशन में क्या होता है, दोनों नंबर का अंतर यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन बता रहा है कि दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करने पे यानी कि माइनस करने पे कितना आता है, 30 आता है। 30 लिख दी। उसके बाद जब वही इक्वेशन बन गया था आपको, तो मैंने बताया था इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस से कि कैसे एक को कैंसिल करें, दोनों इक्वेशन को ऐड किए। तो x + y = 35, x - y = 30, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2x = हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48, ठीक है। x = तो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 पुटिंग x = 24 यानी कि 24 जो आया उसके इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं तो कितना आएगा, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस पे पुट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने कैंसिल आउट किए y को बाहर में ऐड करने से सिंपल से कैंसिल आउट हो रहा था, तो y का वैल्यू x का वैल्यू पहले निकल गया। अगर माइनस भी करेंगे तो x कैंसिलेशन हो जाएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन एक को तो कैंसिल करना ही होगा। तो मैंने ऐड करके कैंसिल किया y को, x का वैल्यू निकल गया आपका 24। इस 24 को क्या किए हम, इक्वेशन 1 यानी कि x plus y को 35 को उसमें x का वैल्यू 24 पुट कर दिए और प्लस y को 35, y को 35 में 24 इक्वल टू 11। अब फर्स्ट नंबर कितना आ गया, x मान लेते फर्स्ट नंबर को x का वैल्यू 24 आ रहा था, इसीलिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू 24 और सेकंड नंबर इक्वल टू 11। तो इस टाइप से पहला क्वेश्चन बन गया बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन, फिर हम 10 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं, ठीक है, उसको हम आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए। ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इज डिजिट, ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इज डिजिट, इफ इट इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। सबसे पहले कंडीशन को समझना पड़ेगा। पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है, ए टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर मतलब 10 से लेकर के 99 तक जो डिजिट नंबर बनते हैं वो टू डिजिट नंबर होता है, जिसमें दो डिजिट होते हैं, 10, 11, 12 से लेकर के 99 तक, 99 के बाद 100 हो जाता है और 10 के नीचे 1 डिजिट होता है, ठीक है। तो टू डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 10 से 10 प्लस डिजिट को मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लस डिजिट को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 10 से 10 प्लस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लस डिजिट को ऐड करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 35 है, ठीक है, तो 35 कैसे बना, तो 10 से 10 प्लस डिजिट यूनिट 10, 3 × 10 यानी कि 10 से 10 में डिजिट 3 हो गया और यूनिट में डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो 10 से 10 में डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट में डिजिट पे ऐड करते हैं, मिला दीजिए 35, यानी कि नंबर आ गया 35। उसी टाइप से हम लोग नंबर निकालते हैं। तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि जो नंबर है 10 टू डिजिट नंबर वो चरगुना है उस डिजिट को ऐड करने के, ऐड करके 4 से गुना करेंगे तो वो नंबर निकल जाएगा, पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन के लिए पहले सबसे डिजिट माने क्या है, ले द डिजिट एट द 10th प्लेस इज इक्वल टू एक्स, यानी कि डिजिट जब टू डिजिट बनेगा एक 10th प्लेस का होगा एक यूनिट प्लेस का होगा, तो 10th के डिजिट को एक्स मान लिए और यूनिट के डिजिट को वाई मान लिए, तो क्या होगा डिजिट द नंबर क्या निकलेगा, तो 10x + y, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला बताया कि 10th प्लेस डिजिट को
10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट पर डिजिट काट करते हैं, तो 10 पर डिजिट कितना है मेरा x है, यूनिट पर डिजिट कितना है y है, तो क्या करेंगे द नंबर एक होगा 10x plus y, क्योंकि 10 पर डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किए और यूनिट पर डिजिट को ऐड किए, तो नंबर होगा 10x plus y. After reversing the digit, after second condition के लिए से, after reversing the digit, digit को जब उल्टा करते हैं, तो नया नंबर आता है automatic है, जैसे 35 है, 53 हो जाएगा, क्योंकि जब भी उल्टा करेंगे 35 का तो क्या होगा 53 कैसे आएगा, तो unit के digit को 10 से multiply करते हैं और 10 के digit को add कर देते हैं, तो नंबर उलट जाता है, ठीक है, तो हम क्या किया था after reversing the digit, तो new number क्या होगा 10y पर था, यूनिट पर डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 पर डिजिट काट करते हैं तो नंबर उलट गया. सबसे पहला कंडीशन में बोलता है नंबर जो है चरगुना है उस डिजिट के सम है, तो नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे 10x plus y equal to 4 x plus y, उसके बाद सॉल्व करके निकाले 2x plus y equal to 0. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अगर नंबर में 18 ऐड कर दे तो नंबर जो है उलट जाता है, यानी कि नया नंबर जो बनता है वो होता है उसका उल्टा, अगर 35 होगा तो 53, 63 होगा तो 36, ऐसे हो जाएगा. कब, जब अगर आप नंबर में ऐड करेंगे 18, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन नंबर को 10 एक्स प्लस वाई उसमें 18 कर दिए तो नंबर क्या हुआ रिवर्स होता है, 10y प्लस एक्स होता है, इसको सॉल्व करके आया एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू आया, ठीक है. तो दो इक्वेशन बना, एक इक्वेशन बना आपका ये वाला वन, दूसरा इक्वेशन बना ये टू, वन और टू को दोनों को क्या किए माइनस के वन माइनस टू, तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस करेंगे तो नीचे का साथ क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स टू एक्स में एक्स जाएगा एक्स, ये माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा और माइनस ऊपर टू हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस में चेंज हो जाएगा टू. ये टू को क्या करेंगे पुटिंग एक्स इन इक्वेशन वन में, एक्स इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में जब पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू कितना है फोर, जब x और y का वैल्यू निकल गया तो नंबर हम क्या निकालते हैं नंबर इक्वल टू 10x plus y यानी 10 into 2 plus 4 यानी कि 24, ये हो गया आपका नंबर, ठीक है. ये दो क्वेश्चन बता दिए, अब 3 का सब क्वेश्चन आप बना दीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम में. थैंक यू क्लास.